Subscribe and click the bell icon for all the television updates. एक्चुअली मुझे अभी आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं होती है किसी के भी बारे में बिकॉज आई एम ऑलवेज इन माय फोन और माय बुक और इन माय ओन थिंग. तो लेट्स सी हाउ मच जस्टिस आई कैन डू टू दिस गेम. ओके तो स्टार्ट करते हैं. सबसे ज़्यादा हंग्री कौन होता है सेट पर जो खाना आती है? आकांक्षा वो हाँ उसको बहुत भूख लगी होती है. हाँ रिया डॉक्टर रिया. सबसे ज़्यादा रेस्ट लवर कौन है जिसे एक शॉट देख जाने के बाद तुरंत रेस्ट चाहिए या सोने चले जाते हैं? थैंकफुली ऐसा कोई नहीं है. ओके सबसे ज़्यादा चिल्ड कौन लगता है? एवरीवन इज चिल्ड या चिल्ड आउट या आई मीन सारे लोग ऐसा एक भी कोई नहीं है जिस का कुछ भी 19-20 भी नहीं है. एवरीवन इज लाइक 100% चिल्ड आउट. मस्त स्ट्रिक्ट भी लगता है तो सेट पर? स्ट्रिक्ट नहीं बट वरुण के थोड़े चीज़ें हैं जैसे कि कुछ मतलब सेट पे कुछ ओवर साइलेंस लगता है उसको या फिर कुछ मतलब वो अपने आप में ही रहता है. अगर सब लोग मिलके बैठे हैं तो ही वोंट यू नो कम एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट थिंग. ही विल बी इन हिज ओन थिंग. तो स्ट्रिक्ट नहीं है बट या ही हैज हिज ओन वे ऑफ लिविंग. ओवर एक्साइटेड भी होता है थिंग्स को लेकर? हाँ रिया होती है क्योंकि आई मीन लाइक इनिशियली हर कैरेक्टर वॉज नॉट दैट मच इस्टेब्लिश इतना इस्टेब्लिश नहीं था जितना अभी हो रहा है. तो उसके इनिशियली बस एक दो सीन्स आते थे कि रिया का एक सीन आ गया दो सीन आ गया. अभी जो उसका बंच आता है तो भाई बहन बंच आ गया मेरा आज. तो शी इज़ क्वाइट एक्साइटेड अबाउट लाइक व्हेन लाइक अ नाइस बंच ऑफ रिया कम्स ऑन इन द रूम कि अभी रिया के हैं सीन्स. अच्छा कोई डिस्टर्बर भी होता है जब साथ में शूट कर रहे हो तो कोई कॉन्सेंट्रेट ना करने देता हो ऐसा? ऐसा कोई नहीं है. एवरीवन इज सो मच इनटू द सीन. कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सीन में नहीं है या ऐसा है. एवरीवन इज इनटू द सीन. अच्छा कोई प्रैंकस्टर है सेट पर प्रैंक करता हो? अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं है. एवरीवन इज सो सीधा साधा दैट एवरीवन इज इनटू द सीन फॉर द होल डे एंड प्रैंकस्टर तो नहीं है कोई. सबसे ज्यादा जोक्स क्रैक करता हो? जोक्स तो भाई सभी क्रैक करते हैं ऐसी बात नहीं है. उस हिसाब से तो शायद मैं और रिया ही हुए. हाँ सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग अरे मोहन जी हाउ कैन आई फॉरगेट हिम. मोहन जी ही इज़ द बिगेस्ट एंटरटेनर ऑन आर सेट. भाई वो जो जब रहते हैं सेट पर तो हम पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे होते हैं सिर्फ. वी ऑल सो कंपेयर हिम टू गो टू द AIB शो या फिर कॉमेडी शो है. ही नेल इट टू अन अनदर लेवल. अच्छा कोई गॉसिप मेकर जिससे गॉसिप पता चलती हूँ? हाँ वो है सोनिका मतलब गायत्री सोनिका. और हाँ सोनिका. अच्छा कोई लेट लतीफ भी जैसे शूट होते हो ऐसा कोई? नहीं नॉट रियली. मोहन जी अगर हुए तो होते हैं कभी कभार लेट वरना नहीं कोई नहीं. टी टाइम पार्टनर या वी आर मैं लेकिन सब लोग अलग अलग ड्रिंक्स लेते हैं लेकिन या वी आर टी टाइम ग्रुप वी कैन से. इट्स मी रिया वीर एंड कबीर. वीर कभी कभी होता है बट कबीर मी और रिया होते हैं. लास्टली कितना एंजॉय किया इस सेगमेंट को? कितनी पोल खोल पाई हैं सब लोगों की? भाई पोले तो नहीं खोल पाए क्योंकि नो वन इज़ लाइक कि पोल खोले जिसके सब लोग बहुत सीधे साधे हैं और एवरीवन इज़ सो फन लविंग एंड एवरीवन इज़ सो गुड एंड आई हैड सो मच फन शूटिंग विद दीज पीपल. लाइक इट वॉज आई लाइक टिल डेट एवरी डे एवरी टाइम वी हैड जस्ट पॉजिटिव वाइब ऑन आर सेट. देर वॉज नेवर लाइक कि कोई निगेटिव वाइब है कि नहीं करना है मुझे नहीं आना है ऐसा कभी नहीं लगा. इट वॉज सो मच फन शूटिंग योर विथ एवरी वन. लाइक आई वॉज कम्प्लीटली ब्लेस्ड टू हैव सच पीपल ऑन आर सेट लाइक राइट फ्रॉम
क्रू मेंबर्स लाइक लाइटमैन, टेक्नीशियंस, कैमरामैन, द कैमरा डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट, हेयर डिपार्टमेंट, एवरीवन इज सो सॉर्टेड, सो गुड. अदरवाइज ऐसा होता है ना कि कभी कभार मेकअप हेयर में थोड़ा गॉसिप चलता है, लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है. एवरीवन इज सो प्रोफेशनल, लाइक सेट पर आएंगे, अपना अपना काम करेंगे और घर चले जाएंगे. लास्टली अपने फैंस को मैसेज, अभी तक ये चीज़ स्ट्राइक नहीं हुई है दैट यू नो इट्स काइंड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स एन एंड और समथिंग. शायद ये बाद में स्टक हो कि शिट नाउ इट्स ओवर, तो आई डोंट वांट दैट फीलिंग राइट नाउ. बट मैं फैंस को ये बोलना चाहूँगी कि इट वाज सच एन इनक्रेडिबल जर्नी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया. साथ में मतलब खट्टा मीठा रिश्ता होता है ना एक फैंस और आर्टिस्ट का, वो था हमारे बीच, क्योंकि इस शो में दो हीरो और एक हीरोइन थे. तो कुछ फैंस ऐसे थे कि जो कबीर और साची को देखना चाहते थे, कुछ फैंस ऐसे थे कि रिया, साची और वीर को देखना चाहते थे. तो हम कोशिश कर रहे थे कि दोनों फैंस को खुश रखें, और अगर किसी हद तक नहीं खुश रख पाए तो वी आर रियली सॉरी, क्योंकि ये एक शो है, एंटरटेनमेंट है. हमने कोशिश की कि जितना आपको एंटरटेन कर सके, आपका 6:30 से 7 के बीच का जो टाइम है वो आपको बोर ना हो, बस ये कोशिश की हमने. तो उस कोशिश पर हम अगर खरे उतरे हैं तो दैट्स बिकॉज ऑफ यू गाइस. तो थैंक यू हमें देखने के लिए आधे घंटे के लिए, और ऐसे ही हमें सबको प्यार देते रहेगा. और नेक्स्ट शोज़ में जब भी हम आपके सामने आए या आपसे मिले तो ऐसे ही प्यार हमें देते रहेगा, एंड वी कीप ऑन एंटरटेनिंग यू.